गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मानस जायसवाल और सचिन उतेकर पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। शेयर खान के जतिन गेडिया और 5paisa.com के रुचित जैन अपनी फ्रेश ट्रेड के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय से करेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स पर चर्चा और JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से समझेंगे एक टेक्निकल सेटअप मार्केट का। लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट का रुख करते हैं और अब थोड़ा सा हायर लेवल पर अगेन आज फिर निफ्टी हायर लेवल से करीब करीब 100 पॉइंट स्लिप करके अब लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है 22,390 पर इस समय। बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए 50,200 पर जाकर स्लिप करके अब लोअर लेवल से फिर थोड़ा सा घूमता हुआ बैंक निफ्टी, इस पर नज़र रखिएगा। और निफ्टी आईटी अभी भी मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो आज है वो निफ्टी आईटी है। इस समय इंडेक्स करीब करीब 1% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। मिड कैप मार्केट में शानदार तेज़ी, फिर से ऑल टाइम हाई पर इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन 2:1 का। और आज के जहां तक स्टॉक्स ऑफ द डे की बात है, क्लियरली आज का सबसे टॉप गेनर ओरेकल फाइनेंशियल 6% ऊपर। चोला मंडलम में अब मूव आने शुरू हुए हैं, वो स्टॉक 3.5% ऊपर। L&T फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, डिवीज लैब्स, HDFC लाइफ, कुफोज, PFC, गोदरेज प्रॉपर्टीज, वोल्टास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मोमेंटम अच्छे खासे बन रहे हैं। वीरू जी, तो ये मूव स्टॉक्स में, हालांकि आज सेक्टर ऑफ द डे इट्स आईटी और स्टॉक ऑफ द डे एज ऑफ नाउ ओरेकल फाइनेंशियल्स। आपकी स्क्रीन पे इट्स नाउ 6.34% ऊपर, 9324 हो गया। आज स्क्रीन पे चला आइए, क्या गजब की स्पॉटिंग थी। अब चलते हैं, काम करते हैं, अब ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस, सचिन, जितिन गिरिया और रुचित जैन हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार। जतिन, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ रहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो बिरला सॉफ्ट में होगा। तो बिरला सॉफ्ट में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद 4 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था, आज हमें लगता है कि ब्रेकआउट व्यू है। तो बिरला सॉफ्ट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 712 और 729 के, और स्टॉप लॉस इसमें 672 का लगाना होगा। जो सेकेंड पीक होगी वो मेटल स्पेस में से हिंडाल्को में रहेगा। तो हिंडाल्को में देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे, हमें लगता है लोअर एंड ऑफ दी पैटर्न पे है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट हो सकता है। तो हिंडाल्को में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का, टारगेट रहेंगे 694 और 704 के। ओके, चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड। सबसे पहला पिक का SBI कार्ड में रहेगा। यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देखा गया ये स्टॉक में, बट आज की ट्रेडिंग सेशन में नो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे स्विंग हाइस क्रॉस कर रहा है और वॉल्यूम्स भी नो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। सो आई थिंक ऑल्दो लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट आई थिंक नो प्राइस वाइज करेक्टिव फेज ये स्टॉक में पूरा हो चुका है और एक अच्छा खासा पुल बैक मूव हम नियर टर्म में देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे SBI कार्ड में खरीदारी करें, 719 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 747 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सो MFSL आज वैसे सारे इंश्योरेंस स्पेस में हमने एक अच्छी मोमेंटम ओपनिंग में देखी है, लेकिन MFSL के डेरिवेटिव्स के डेटा काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट OI बिल्टअप वहां पे हुआ है, फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन क्लियरली दिख रहे हैं वो भी उसके सपोर्ट के आसपास। तो MFSL आई थिंक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रह सकता है। 950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1040 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रुचित जी के ट्रेड होके मैक्स फाइनेंशियल्स भी यहां पे उन्होंने स्पॉट किया है। मानस, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? तो देखिए, पहले तो दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप शायद बॉटम बन रहे हैं, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 2420 के आते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस 2359 के नीचे रहेंगे दीपक नाइट्राइट में। दूसरे स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, यहाँ पर भी अगर देखिए तो 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, 2959 का स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 3075 के आपको टारगेट सेट करने। ओके, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, पहले तो दो कॉल्स रिविजिट करते हैं। OFSS अब स्क्रीन पर 450 रुपये का मूव, मैं वो देख रहा था, कुछ कॉल्स 250-300% भागी हैं स्क्रीन पर, और एक इवन चोला में भी अच्छे मूव आए। तो पहले तो इन दोनों पर अपडेट और उसके बाद फ्रेश पिक्स। अनुज जी, क्लियरली जहाँ पर आपने स्पॉट किया था वहाँ पर इनफैक्ट और कन्विक्शन बढ़ते हुए नजर आया था, एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है वो जो टारगेट है 9600 का वो वेल इंटैक्ट है।
सेकेंड टाइम हमने जब भी डिस्कस किया वहां से भी लगभग अराउंड 200 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अभी भी डेटा बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी 92.10 के फ्रेश ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए. एंड ऑन द हायर साइड आई थिंक 9600-9610 के आसपास मुझे लग रहा है आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए. जो चोला फाइनेंस का भी जो स्ट्रक्चर है वहां पर भी मुझे लग रहा है काफी बड़ा पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है. तो यहाँ पर जो 1490 का फ्यूचर्स में टारगेट है मुझे लग रहा है वो इंटैक्ट है, तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी. एंड जो दो फ्रेश ट्रेड्स है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, पहला वाला जो है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है. क्लियरली जिस तरीके से तेजी है सारे आईटी पैक्स में, यहाँ पर मुझे लग रहा है इन्फो एज या नौकरी में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4 दिनों में. क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काफी अच्छी तरह ट्रेंड भी कर रहा था, बट पिछले 3 दिनों से डोजी फॉर्मेशन के ऊपर की इसने ओपनिंग एग्जिबिट की है. एंड प्लस 6300 के जो राइटर्स है मुझे लग रहा है उनपे थोड़ा सा दबाव आना चाहिए. तो लगभग 6540 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी नौकरी के फ्यूचर्स में. स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6295 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं. जो सेकेंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है डीएलएफ का. काफी दिनों से यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप पाइलअप था, मुझे लग रहा है वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड हो रही है. जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, हेडरूम लगभग पोजिशनली 905 तक अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 862 के स्टॉप लॉस के साथ. ओके, ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए. मीनवाइल एक बार MCX लेकर आइए जरा स्क्रीन पर. MCX का एक बार चार्ट देखते हैं. मानस, कुछ मूव बन रहे हैं यहाँ पर, चेस करें क्या इस स्टॉक को? बिल्कुल चेस करना चाहिए. आई थिंक यहाँ पर 3 दिन पहले भी हम लोग की बात हुई थी जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखती है और मेरे ख्याल से अभी अपने पिछले हाई जो कि 4050 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा. ट्रेडिंग ना करें, पोजिशनल ट्रेड लें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए. स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3790 का और टारगेट सेट करने हैं 4050 के. बिल्कुल देखिए, मार्केट में एक और मूव शुरू हुआ है और खासतौर से मिड कैप में, तो वहां पर थोड़े से मैं मूव्स देख रहा था. एक बार दीपक नाइट्राइट, सचिन एक बार दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखिए. यहाँ पर कुछ ट्रेड लग रहा है, कुछ स्पॉट किया जाए? काफी शानदार रनअप है. इनफैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर 4 दिनों से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है. तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आई थिंक 2375 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है. एंड जैसे ही स्टॉक 2400 का लेवल पार कर देता है मुझे लग रहा है और थोड़े से अग्रेसिव पोजिशनिंग की जा सकती है 2460 के टारगेट के लिए. तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने की सलाह होगी. एंड जैसे ही 2400 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो और पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 2460 के टारगेट के लिए. बिल्कुल, ये मानस की पिक थी शो में. एक बार मैंने सोचा एक सेकंड व्यू भी ले लिया जाए इसके ऊपर. मानस, एक बार सिंस दीपक नाइट्राइट पर आपने बात की, एक बार SRF का भी चार्ट देखिए. ये स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है कंपैरेटिवली, लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर काफी बेहतर पैटर्न बन रहे हैं क्योंकि स्टॉक ने ध्यान रखिए अब 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है. आई थिंक यहाँ से भी आपको करीब 2500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है. पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, 2360 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में. हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं. सुदीप से बात करते हैं. सुदीप, गुड मॉर्निंग. सुदीप, पहले बात करते हैं एक ऐसे पैक की जो मार्केट को थोड़ा तंग कर रहा है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स. यहाँ क्या दिक्कत है आपके हिसाब से हायर लेवल्स पर, HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक और इवन एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में, और क्या व्यू है आपका? देखिए, हमारा व्यू तो पॉजिटिव है अनुज. हम लोगों को लगता है कि अगर इकोनॉमी में हम लोग जबरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो BFSI में भी जबरदस्त ग्रोथ आना चाहिए. पहली बात ये है. और इस ग्रोथ को संभालने के लिए जो दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो दिग्गज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पे अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ होना बहुत जरूरी है. अब रही बात द अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जो कि लायबिलिटी. अब शंका ये है कि लायबिलिटी में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ा चूक रहे हैं कि लायबिलिटी मोबिलाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए टू सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ.
इसी को लेके मार्केट का शंका है, तो फोकस एसेट क्वालिटी और बाकी चीजों से मूव करके ज्यादातर फोकस अभी चला गया है सबका कि लायबिलिटी ग्रोथ कैसा हो रहा है, कासा में कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसी पे सबका फोकस है। और यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ जैसा हो रहा है कि अगर अग्रेसिवली कोई डिपॉजिट ग्रोथ की तरफ बढ़े तो मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये ट्रेड ऑफ बिटवीन मार्जिन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक 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 बैटल कह सकते हैं बन रहा है और इसी पे सबका नजर है। हम लोगों का मानना ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ विल बी चैलेंजिंग, बैंक को एक्सेस करना पड़ेगा दूसरे तरह के सोर्सेज ऑफ फंड्स, क्योंकि आज के दिन में रिटेल निवेशकों के पास या बल्क डिपॉजिट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह रहा है, अट्रैक्टिवनेस कम हो रहा है क्योंकि अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर गेनिंग प्रोमिनेंस। सो एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में लायबिलिटी गैदरिंग में, और उसी पे हम लोगों को फोकस रहेगा। मार्केट भी उसी के ऊपर नजर बना के बैठा है कि HDFC कैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करता है पर साथ में क्रेडिट ग्रोथ भी कैसा करता है और मार्जिन ग्रोथ भी मेंटेन करता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, इसी में फोकस रखना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज हमारा व्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे पॉजिटिव है, और अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक डेफिनेटली इज ए गुड बाय। ओके, HDFC बैंक। अच्छा सुदीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अब चुनाव के नतीजे, सरकार का गठन और ये सब पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, बाजार का थोड़ा डिलेमा जो सरकारी कंपनियों को लेकर, सरकारी बैंक को लेकर था, वो अब दूर है एज ऑफ नाउ। अब अभी आपने प्राइवेट बैंक्स पर टिप्पणी करी, जहां पर लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में भी हमें, अगर आप कंपैरिजन करें, PSU बैंक्स में कंफर्ट था, SBI के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, कुछ सरकारी बैंकों के इवन जो NIMs थे उसमें थोड़ा सा एक इंक्रीज था और स्टेबल भी थे। जब आप इसी प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंकों के सामने रख के देखते हैं, तब आपका जो एनालिसिस है वो क्या है, सरकारी बैंकों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा फेवरेट रहा है बहुत दिनों से और अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए फेवरेट है, पर मैं मानता हूं कि कुछ जो दिग्गज PSU बैंक्स हैं उनका वैल्यूएशन अभी एक लेवल पे पहुंचा है जहां पे बहुत जल्द बहुत बड़ा एप्रिसिएशन की संभावना नहीं है। बाकी क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिर स्पेसिफिक टिप्पणी कर पाएंगे। ओवरऑल बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक एट दिस स्टेज मुझे प्राइवेट सेक्टर जो दिग्गज बैंक है वो रिलेटिवली बेटर लग रहा है और खरीदारी के लिए वहां पे मौका बन रहा है एज अपोज टू एन SBI जहां पे की वैल्यूएशन एक लेवल पे रीच किया है जहां से ज्यादा एप्रिसिएशन मुश्किल है। अच्छा, कल के फेड के निर्णय के बाद सुदीप जी, जब आपके पास अब जब इन्फ्लेशन की फिगर्स के साथ एक हल्का सा रोड मैप आया है रिगार्डिंग आई थिंक रेट कट्स 24 में अप्रॉक्सीमेटली वन कट पॉसिबिलिटी और शायद 25 में रेट कट की जो पेस है वो ज़्यादा तीव्र रहेगी, 4 रेट कट्स, आपका IT पर व्यू क्या बन रहा है? बाजार रोज बर रोज IT में एक डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से तो कॉल ले रहा है, बट एक डिसाइसिव कॉल अभी भी हमारे इस कार्यक्रम में जितने मेहमान आते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। आपका व्यू लार्ज कैप IT पे, मिड कैप IT पे क्या इस वक्त? ये वीरेंद्र जी, लार्ज कैप IT पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से और अभी भी पॉजिटिव है। US में ब्याज दरें कम हो रहे हैं और होंगे भी। अब एक कट होगा जो कि फेड कह रहा है, पर फेड चेयर का जो कॉन्फ्रेंस था वहां पे उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया कि शायद एक से ज्यादा कट भी हो सकता है। तो एक US फेड एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है क्योंकि लेबर मार्केट का भी स्थिति पे नजर उनका है और इन्फ्लेशन पे भी नजर है, तो ये सब बैलेंस करके उनको चलना पड़ रहा है और शायद इंटरेस्ट रेट पे कॉल लिया जाएगा सेकेंड हाफ में ही जैसे कि बात हो रहा था, तो सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स ये कॉल शायद लेना शुरू होगा। और हम मानते हैं कि US में इकोनॉमी में जो दबाव की संभावना थी या जो दबाव थोड़ा बहुत महसूस किया जा रहा था वहां पे सुधार आ रहा है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज अगर देखें उनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। मैं सिर्फ दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, US टेक्नोलॉजी कंपनीज, बट बाकी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वहां पे भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है, इकोनॉमी में डिमांड है, ग्रोथ है। अब ग्रोथ जो 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 US में 2-2.5% का ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है वो अच्छा है और उस ग्रोथ के हिसाब से US CEOs
ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने बिजनेस पे, एक्सपेंशन पे, टेक्नोलॉजी स्पेंड पे, तो हम लोगों को लगता है कि अगला क्वार्टर से, मतलब Q1 इंडिया का जो Q1 है वहां पे भी ऐसा बहुत कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट इंडियन आईटी कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा, दिग्गज आईटीज में, पर Q2 ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट देखने की संभावना है, न्यू ऑर्डर विंस की संभावना है, ये हम लोग मानते हैं। मिड कैप आईटी एक क्षेत्र है जहां पे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कुछ मिड कैप आईटीज ऐसे दिख रहे हैं जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा फुल है, और मिड कैप आईटी में फोकस उन्हीं कंपनीज पे करना चाहिए जो कि स्पेसिफिक सेक्टर को सर्विस करता है और जो सेक्टर में बहुत ट्रैक्शन है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म, कुछ आईटी कंपनीज है जो ट्रैवल टूरिज्म को केटर करते हैं, तो वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हाई वैल्यूएशन। सिमिलरली जो प्रोसेस ऑटोमेशन और जो ईवी ट्रांजिशन और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जहां पे बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें और ऐसी भी बहुत सारे और कंपनीज हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो यहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ हाई वैल्यूएशन। अच्छा, सीमेंट कंस्ट्रक्शन या फिर जो बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्लेस हैं, यहां पर क्या व्यू होगा आपका, यहां पर टॉप पिक्स क्या होंगे? सीमेंट हमारा फेवरेट सेक्टर है अनुज, इनफैक्ट सीमेंट में हम अल्ट्राटेक हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। अपार्ट फ्रॉम अल्ट्राटेक कुछ और भी कंपनीज हैं जहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। वैसे लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज गोइंग ऑन कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी शुरू हो जाएंगे कंसोलिडेशन के रिलेटेड, और अगर ऐसा होता है तो जरूर वैल्यूएशन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा कुछ हद तक स्पेकुलेटिव है। अगर फंडामेंटली देखें तो अल्ट्राटेक डेफिनेटली लुक्स गुड। ACC कुछ दिन पहले कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आया था, ACC भी ठीक लगता है करंट वैल्यूएशन पे, तो अल्ट्राटेक ACC दोनों फॉर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली लुक्स गुड। छोटे मझोले कंपनी डिपेंड करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसके ऊपर। ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग है और क्योंकि सरकार का फोकस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इस पे है, तो सीमेंट का डिमांड बढ़ता रहेगा और अच्छा खासा डिमांड रहेगा। और जो पैन इंडिया सीमेंट प्लेयर्स हैं जिनके फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा हमेशा, यही हमारा मानना है, इसीलिए अल्ट्राटेक ACC जैसे कंपनी हम चुन रहे हैं। ओके, चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब स्टॉक्स पर। एक काम करते हैं, अब जरा मार्केट पर लौटते हैं क्योंकि इस समय निफ्टी में फिर एक मोमेंटम पिकअप होने की कोशिश हो रही है, फिर 23,400 के ऊपर आते हुए यहाँ पर। सचिन, कोई ट्रेड आपके पास इस समय? अरुण जी, यहाँ पर GNFC में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बना है, इनफैक्ट प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी निकाला है एंड ट्यूजडे के हाईस को भी ये काफी अच्छी तरह डोमिनेट कर रहा है अभी। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इंट्राडे के लिहाज से तो 708 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बस पोजिशनली मुझे लग रहा है 725 तक की मूव यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 685 के स्टॉप लॉस के साथ GNFC के फ्यूचर्स में। ओके, GNFC के फ्यूचर्स यहाँ पर इस समय आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा और लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स की बात करते हैं। JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी भी, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत शानदार तेजी है ही। एक बार फिर FII की रिकॉर्ड शॉर्टिंग से हमने बड़ी रैली देखी, अब मार्केट पर आपका इस समय क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? नमस्कार अनुज जी, देखिए बड़ा मूव जो है हमने देखा है, इवेंट जो है जो साल में जो दो बड़े इलेक्शन है उनमें से एक हो चुका है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर वापस आ गई है, इंडिया विक्स वापस अपने एवरेजेस के नीचे आ गया है, तो हमें ये लगता है कि मार्केट में ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर बनाए रखे, हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन यहाँ से प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। जो की इंडाइसेस या की सेक्टर जहां पे हमारा फोकस है उनमें से तीन सेक्टर सबसे टॉप में आते हैं, एक तो बैंकिंग इंडेक्स, इसमें अभी तक रैली आना बाकी है, 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, हमें लगता है कि इस महीने में पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी 51,500 तक का मूव दिखाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी अगर साइजेबल डिप आता है तो वहां पर अक्यूमुलेशन रखे। दूसरे जो दो सेक्टर्स हैं उनमें से एक अभी आपके शो पे डिस्कस हो रहा था IT इंडेक्स, हमें लगता है IT इंडेक्स थोड़ा मैक्रो पिक्चर जो है उसमें इंप्रूव हुआ है और आने वाले 3-6 महीने में IT इंडेक्स में अच्छा
अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है, एक अच्छी कैचअप रैली आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और लास्टली जो सेक्टर काफी बेहतरीन रहा भी है पिछले दो साल से, इनफैक्ट काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद फार्मा इंडेक्स में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और हमें लगता है कि एक तरह से नए ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार है फार्मा इंडेक्स। तो ये तीन सेक्टर्स है जहां पर हमें लगता है कि फोकस करके चलना चाहिए, और साथ ही में जो मोमेंटम प्लेस जहां पर मेटल्स हो गए, जो PSUs हो गए, वहां पर वापस मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल पूरे मार्केट में कोई ऐसे वीक स्पॉट्स नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देख कर ले, सपोर्ट लेवल्स के पास में ले, और हमें लगता है कि ये बुल मार्केट इज वेरी मच ऑन। PSU बैंक्स पर क्या व्यू है इस समय, और खासतौर से SBI यहां पर अब क्या करें? देखिए PSU बैंक्स में एक शार्प करेक्शन जरूर देखने मिला था इलेक्शन रिजल्ट के आसपास, लेकिन जो रिकवरी यहाँ पर स्लो ग्रेजुअल यहाँ पर देखने को मिली है, इसे देखकर लग रहा है कि जो पुरानी ट्रेजेक्ट्री है, जो जो इसका मेजर ट्रेंड है, वो अभी भी बुलिश ही है, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है। PSU बैंक इंडेक्स काफी पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है चार्ट्स के ऊपर, और SBI में हमें लगता है कि जो हमारा ईयर एंड का टारगेट है ₹1000 तक का, आई थिंक ये बिल्कुल वहां पर बना हुआ है। तो आई थिंक इस करेक्शन में इसे लेना चाहिए, ऐड कीजिए SBI के अंदर, और आने वाले 6 से 8 महीने में हमें लगता है कि यहाँ पर 4 डिजिट तक के लेवल्स हमें SBI में देखने को मिल सकते हैं। ओके राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मतलब सडनली मैं कुछ मिड कैप्स की तरफ जाऊँगा, या फिर वो सेक्टर्स जहाँ पे मिड कैप्स में प्रेजेंस ज़्यादा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में मुथूट और मन्नापुरम में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा, आप लोगों ने इसको रीड किया, कोई तवज्जो दी, और इन पे आपका स्टॉक्स, इन पे आपका व्यू उस वक्त? देखिए NBFC में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले 1.5-2 सेशन में, और एक ब्रेकआउट इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में है। मुथूट फाइनेंस का इंडिविजुअल सेटअप काफी, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस में, लेकिन मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी मजबूत रहा है ये स्टॉक, और अभी भी यहाँ पर कोई तरीके का स्लोडाउन या एग्जॉशन देखने को नहीं मिल रहा है ट्रेंड के अंदर। तो मेरा यह मानना है यहाँ से भी हमें तकरीबन 8-10% की अपसाइड इस महीने जून महीने में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज NBFC आई थिंक पूरा का पूरा जो स्पेस है काफी वाइब्रेंट है, और टेक्निकल सेटअप इनमें बता रहे हैं कि इनकी जो रैली है ये एक्सटेंड होती दिख सकती है आने वाले समय में। अच्छा अभी आपने राहुल जी जो फार्मा का ब्रेकआउट का जिक्र किया, आई मीन निफ्टी फार्मा, डॉक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज एक बार निफ्टी फार्मा। तो फार्मा में आप इस पॉकेट्स में क्या क्या चेज कर रहे हैं, और अगर मैं इस पे दो स्टॉक्स और इंक्लूड कर दूं, मुथू ये आपका मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब, इनमें से क्या पिक करके चलना है इस सीरीज के लिए जून के लिए, रेस्ट ऑफ द डेज के लिए? देखिए फार्मा स्पेस में जो लार्ज कैप में जो सबसे अच्छा पिक लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप हमें सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट, यानी फरवरी महीने से ये स्टॉक एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब ये रिवर्सल जो है ये कंफर्म हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो पिछले जो 4-5 सेशन में ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, हमें लगता है कि लंबे लेग्स है, जो इसका प्रीवियस स्टॉक था तकरीबन 6800 के ऊपर का था, आई थिंक वहां तक की रैली मिनिमम हमें देखने को मिल सकती है इस अपमूव में, और एक तरह से जो इसका और भी बड़ा ट्रेंड है और जो एक लार्जर पिक्चर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहिए, 6800 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में, और अगर आपका 6 महीने प्लस का व्यू है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये स्टॉक 7500 तक भी चला जाए। तो थोड़ा मैक्रो पिक्चर में हमें लार्ज कैप में अपोलो हॉस्पिटल सबसे टॉप पिक लग रहा है। फार्मा स्पेस में जो दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि रैली कैचअप आ सकती है, औरोबिंदो फार्मा का सेटअप हमें यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। स्टॉक एक तरह से काफी शांत बैठा हुआ है काफी दिनों से, और एक तरह से जो की एवरेजेस है पूरे करेक्शन में इसने ब्रीच नहीं की, 50 दिन का मूविंग एवरेज इसने ब्रीच नहीं किया, अभी सब्ड्यूड जरूर है तो इसे अक्यूमुलेट जोन में रखिए, मोमेंटम ट्रेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि ये 1280-1300 का जोन निकालेगा तो इसमें भी एक तरह से बुल्स का टेरिटरी आती हुई दिखेगी, और मोमेंटम जो है बुल्स के फेवर में रहेगा। दो स्पेसेस जहां बहुत पैसा बनाया रिटेल ने वो है डिफेंस और रेलवेज, यहाँ पर कोई स्टॉक्स है क्या आपके रेडार पर राहुल जी? देखिए जहां तक ये डिफेंस और रेलवेज का सवाल है, इनमें काफी अच्छा अपमूव देखा था हमने, करेक्शन आया मार्केट को, रीजन मिला करेक्शन आने का, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी डेंट नहीं हुई है। हो सकता है रेलवेज में थोड़ा सेकेंड स्टेप मूव, लेकिन डिफेंस के काउंटर्स जो है
अभी भी हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली भी इनकी ऑर्डर बुक्स वगैरह काफी मजबूत है। मुझे लगता है कि HAL BL टॉपिक्स है स्पेस में, इनमें आई थिंक रैली कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। आपको अगर आपके पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर अभी भी काफी अपसाइड बाकी है, तो अगर आपका वन ईयर प्लस का व्यू है आई थिंक बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी आई थिंक ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी अच्छा हुआ है लॉन्ग ट्रेड करने के लिए, तो व्यू जो है वो काफी पॉजिटिव है। रेलवे स्टॉक्स में यस थोड़ा चेरी पिकिंग वहां पर कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई वुड रेट की डिफेंस स्टॉक्स में नंबर वन और रेलवे स्टॉक्स में फॉलो आफ्टर द डिफेंस स्टॉक्स। अच्छा, डिफेंस की बात हुई यहाँ पे। अब राहुल जी, अब आप 13 तारीख आज हो ही गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद अगर आप लगभग एक महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपका बजट भी आ जाएगा, आप कैपिटल गुड्स में जो प्लेसमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि कमिंस में हल्का सा पोस्ट अर्निंग्स, और आई थिंक वो कौन कॉल एक डिप आया था लेकिन वो बाजार ने बॉट खरीद लिया हाथों हाथ। ABB पिछले 3 महीने का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर, सिमेंस पे LNT में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था, LNT पोस्ट अर्निंग्स डिप लिया था लेकिन वो भी बाजार ने हाथों हाथ खरीदा। आप लोग इस वक्त कैपिटल गुड्स में कैसे प्लेस्ड हैं, किसको वरीयता दे रहे हैं, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, पिकिंग ऑर्डर क्या है आपका? देखिए, जहां तक कैपिटल गुड्स में है, जो हाई मोमेंटम प्लेज है उनमें से सीमेंस, ABB, ये स्टॉक्स जो है सबसे ऊपर में आते हैं। LNT लार्ज कैप होने की वजह से और एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर देखने को जरूर मिला है, तो उसे थोड़ी हम रैंकिंग में, अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव प्ले करना है तो LNT इज अ बेटर बेट। बट आई थिंक ओवरऑल अभी तक लाइक यू नो कोई एग्जॉशन देखने को नहीं मिला हमें चार्ट्स के ऊपर, और इनफैक्ट ABB में हमें लग रहा है कि फिलहाल में भी शॉर्ट टर्म में भी सेटअप जो है काफी प्रॉमिसिंग है, तो आई थिंक कैपिटल गुड्स की जो रैली है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ये छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे लेकिन जो ओवरऑल टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप का है, और हमने देखा भी जो 10 दिन पहले जो करेक्शन आया इन स्टॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो मूव जो करेक्शन था वो यहाँ पर कैचअप हो चुका है, और एक तरह से स्टॉक्स तैयार है नए हाई लगाने के लिए। आई थिंक ABB, सीमेंस और LNT इस ऑर्डर में हम कैपिटल गुड स्पेस में स्टॉक्स की पिकिंग करके चल सकते हैं। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस चर्चा में शामिल हुए, और इस वक्त आप एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स में इंडिसीज पे आपका व्यू क्या है और किन किन स्टॉक्स को किन किन सेक्टर्स को पिक कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट साइड पे, अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुज, निफ्टी बैंक समहाउ आई थिंक अभी 50,000 की ट्रैजेक्टरी को थामता हुआ और करीब करीब 23,400, क्या व्यू बन रहा है? आई मीन इस लीडर को देखते हुए, आज के निफ्टी आईटी को देखते हुए, जो कि एटलीस्ट वो डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना? हाँ, नहीं लेकिन थोड़ा सा मार्केट में ना इस समय आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा, इंडेक्स पे मेरे ख्याल से कोई ट्रेड है नहीं, इंडेक्स को थोड़ा कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। मीनवाइल वीरू, एक ब्रेकआउट आ रहा है कैपिटल गुड स्टॉक्स में, एक बार आप लेकर आइए सीमेंस, ABB और कमिंस, ये तीन स्टॉक्स, तीनों के तीनों ऑलमोस्ट पैरेलली मूव किए एकदम से। ये देखिए सीमेंस, आई थिंक अब ABB और कमिंस, कमेंट्स में इतना नहीं है लेकिन सीमेंस और ABB में बड़ा शानदार मूव आया एकदम से, तो मार्केट आज थोड़ा सा बीच बीच में स्विंग्स दे रहा है आपको इंडिविजुअल सेक्टर, आपको यही पकड़नी है बेसिकली, जैसे सुबह हमने OFSS पकड़ा ऐसे ही आपको स्विंग्स पकड़नी है आज, उसी में आपको काम निकालना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, शो को समेट लेते हैं, सुमित आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो बढ़िया तेजी कैपिटल गुड स्पेस